दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के निवास पर बड़ी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी बैठक में मौजूद रहे। पीसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री गहलोत, कांग्रेस प्रभारी रंधावा, सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, शशि थरूर भी बैठक में मौजूद रहे। केसी वेणुगोपाल बोले, मिलकर लड़ेंगे चुनाव, फिर बनाएंगे कांग्रेस सरकार। आलाकमान पर छोड़ दिया है ये फैसला और माना जा सकता है कि सुलह का फॉर्मूला अब यहां से तय हो गया है। मुस्कुराते हुए बैठक के बाद निकलते हुए दिखाई दिए सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये कोशिश रही है आलाकमान की भी कि सुलह दोनों में करा दी जाए ताकि इसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव के मद्देनजर मिले। ऐसे में बड़ा वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहे, यही कोशिश। और देखिए, लगातार यही कवायद भी थी आलाकमान की कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सब कुछ सुलझा लिया जाए। हालांकि अलग अलग मौकों पर दोनों की ओर से कई दफा कहा गया है कि आगामी चुनाव मिलकर लड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरह के हालात राजस्थान में सियासी बने थे उसके चलते यही उम्मीद की जा रही थी कि कौन सा फॉर्मूला यहां से तय होता है, जहां सचिन पायलट ने 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया था। आपको याद होगा 11 मई को ही सचिन पायलट ने जब अपनी पदयात्रा की शुरुआत की थी अजमेर से लेकर के जयपुर तक, ये जन संघर्ष पदयात्रा, और उसके बाद अल्टीमेटम दिया था। 3 प्रमुख मांगे उन्होंने रखी थी, कहा था सरकार इस पर तुरंत फैसला करे। और अब 15 दिन के अल्टीमेटम के बीच मान सकते हैं कि एक बार के लिए तो इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है। अपकमिंग राजस्थान असेंबली इलेक्शन, कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड राहुल गांधी जी हैड अ डिटेल 4-hour लॉन्ग डिस्कशन विद अशोक गहलोत जी एंड सचिन पायलट जी एंड इंचार्ज ऑफ। इन दिस डिस्कशन वी हैव डिसाइडेड टू फाइट इलेक्शन यूनाइटेडली, बोथ ऑफ आर इन एग्रीमेंट दैट कांग्रेस पार्टी हैज टू गो टूगेदर and definitely we will win election in Rajasthan, because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. That was both the leaders Ashok ji and Sachin ji unitedly and unanimously agreed with the proposal of this thing. This is what I want to tell. That दोनों हाईकमांड से चौथ दिया डिसीजन डिसीजन पूरा डिसीजन दोनों हाईकमांड विल टेक अ डिसीजन। This is what we want to say, that we decided both the leaders are agreed to vote together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the seat. This all. तो देखिए, साफ तौर पर केसी वेणुगोपाल ने ये 4 घंटे तक चलने वाली बैठक के बाद जब मीडिया कर्मी से रूबरू हुए तो कहा, फॉर्मूले पर जब सवाल पूछा तो साफ कहा, हाईकमान पर फैसला छोड़ा। और देखिए, अब आपको पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट बताते हैं। दिल्ली की बैठक के बाद का अपडेट, पायलट संगठन में संभाल सकते हैं जिम्मा, इसको लेकर ब्लूप्रिंट भी तैयार हुआ है। राहुल गांधी ने पायलट को नई भूमिका के बारे में बता दिया। पायलट और उनकी टीम अब कोई विरोधाभासी बयान नहीं देंगे। गहलोत समर्थक भी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा दिलाया गया आलाकमान को भरोसा। पायलट को बनाया जा सकता है पीसीसी चीफ या इलेक्शन कमेटी कैंपेन का प्रमुख। इसके साथ ही अब पायलट अपने अल्टीमेटम को भी मुद्दा नहीं बनाएंगे। करप्शन के खिलाफ उनकी मांगों पर सरकार एक्शन लेगी।
अब सचिन पायलट चुनावी व्यूह रचना बनाने का काम करेंगे। सत्ता और संगठन के प्रभावी बदलावों में उनकी भूमिका स्पष्ट कर दी गई है। राहुल गांधी और खड़गे चाहते हैं राजस्थान में इस बार मिथक टूटे। कहा जा रहा है बातचीत में पर्दे के पीछे प्रियंका गांधी का भी अहम रोल रहा है। साथ ही अंबिका सोनी और कमलनाथ की भी महती भूमिका रही है।